वेलकम टू माय चैनल बैड ग्लैम गर्ल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बिगिनर्स मेकअप, यानी कि शुरुआत का मेकअप कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेकअप नहीं आता है, आपने मेकअप कभी यूज़ नहीं किया है अपने फेस पर, तो मैं इस वीडियो में सारे स्टेप बाय स्टेप मेकअप शेयर करूंगी और मेकअप करने के सारे सही स्टेप्स, सही तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी और सारे स्टेप्स इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। ऑल्सो गाइज, जो मैं मेकअप प्रोडक्ट इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहली बात सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगी उनका नेम और परचेज लिंक। और अगर आपके पास इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वही प्रोडक्ट्स लेने हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में अब शुरू करते हैं। तो मूव ऑन करने से पहले आप कर लें इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं मैं रोज़ की तरह अपनी वीडियो में आपका नेम लूँ, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को क्लिक करना है और नीचे आपको कमेंट करना है डन। अगर ऐसा करेंगे तो मैं अपनी अगली वीडियो में आप में से किसी एक पर्सन का नेम लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस पर आपको पता है हमें क्या लगाना होता है, प्राइमर। प्राइमर क्या करता है, आपके पोर्स को फिल इन करेगा। आपके जो फाउंडेशन के अगर कोई भी केमिकल्स होंगे, या फाउंडेशन कभी भी ऐसा चांस हो कि आपकी स्किन पर वो रिएक्ट कर सकता है, तो प्राइमर क्या करेगा, उससे कवर करेगा आपकी स्किन को। फाउंडेशन के केमिकल्स आपके फेस पर नहीं आने देगा, आपकी स्किन के अंदर नहीं जाने देगा और आपकी फाउंडेशन को काफ़ी अच्छी फ्लॉलेस फिनिश देगा। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल प्राइमर और इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर। प्राइमर का थोड़ा सा क्वांटिटी आपको लेना है और आपके फेस पर अप्लाई कर देना है। सो हियर इट इज, बस इतना ही क्वांटिटी चाहिए। जेल फॉर्म में होता है ये, तो ये फेस पर काफ़ी इजीली ब्लेंड भी हो जाता है एंड नेक पर भी लगाएं। मेकअप जब भी आप करेंगे तो अपने फेस नेक दोनों पे लगाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हमने लगा लिया, दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि फाउंडेशन को जब भी आप यूज़ करेंगे, आपको लेना है सिर्फ इसका एक ड्रॉप, एक या डेढ़ ड्रॉप लेना है, बस उतने से ही आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, उससे ज़्यादा आपको फाउंडेशन नहीं लेना। फाउंडेशन हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे मेकअप स्पंज यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर से। कोई भी स्पंज, मेकअप स्पंज आप ले सकते हैं अप्लाई करने के लिए, जो स्क्वायर फॉर्म्स में आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसको ज़रा सा हल्का सा आपको गीला करना है, हल्का सा डैम्प करना है। इससे क्या होगा, फाउंडेशन की फिनिश आपके फेस पर बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छे से फाउंडेशन आपके फेस पर ब्लेंड होगा। इसमें मैं थोड़ा सा फाउंडेशन इसमें ले लूँगी, सिर्फ एक ड्रॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया उतना ही फाउंडेशन लेना है। ये देखिए दिस मच। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मेरा फाउंडेशन केकी लगता है, पैची लगता है। उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ वो क्यों लगता है। इसलिए ही लगता है क्योंकि आप लोग आपका फाउंडेशन खूब सारा लेके क्रीम की तरह लगाना शुरू कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको। सो अब मैं पूरे फेस पर डॉट्स बना लूँगी इसके और जल्दी से इसे नेक पर भी और जल्दी से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए डैबिंग मोशंस इस तरीके से यू ब्लेंड करना है। इससे फाउंडेशन आपके बिल्कुल स्किन जैसा ही लगेगा। अपने लिप्स सब जगह आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए मैं इसे ड्रैग कर रही हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं फाउंडेशन पूरा मेरी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो गया है। आप देख सकते हैं, आपको क्या लग रहा है मैंने फाउंडेशन अपने फेस पे लगाया है, जस्ट सी चीक्स को देख के। बस यही होता है ब्यूटी ब्लेंडर का कमाल, बिल्कुल स्किन लाइक फेस लगेगा और मेकअप भी फुल फेस ही होगा। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ कैल इम्परफेक्शन करेक्टर कंसीलर स्टिक। कंसीलर स्टिक इसमें मेरा शेड है 02 बेज मीडियम। कंसीलर यूज़ करते हैं हम लोग हमारे फेस को ब्राइटन करने के लिए। कंसीलर को सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे हमारे फेस के जो डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उसे हटाने में। उसे कैसे हटाएंगे हम लोग, डार्क सर्कल्स के लिए हमको अपनी आईज़ के नीचे छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। इससे क्या होगा, हमारी आईज़ ब्राइटन होंगी, हमारा फेस काफ़ी यंग लगेगा इस टेक्निक से। बस ये छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद अगर आपके फेस पे कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं, आपको किस तरीके से उसे हाइड करना है, बस हल्का सा कंसीलर वहाँ पे लगा लें ज़रा सा,
और बाद में हम लोग इसे ब्लेंड करेंगे। ये हो गया हमारा डार्क सर्कल्स हाइडिंग के लिए। अब हम लोग फेस को ब्राइटन भी करेंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो आईलिड पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम लोग आई शेडो अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेस सेट होगा। अगर कंसीलर अच्छे से लगा होगा तो आई शेडो काफ़ी अच्छे से लगेगा, उसके कलर्स बहुत पॉप आउट होके आएंगे। इसके बाद फेस को ब्राइटन करने के लिए फोरहेड पे थोड़ा सा और नोज की ब्रिज पर, इसके बाद चिन पर, दैट्स इट। बस इस तरीके से आपको कंसीलर यूज़ करना है और फिर उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से अपनी स्किन में, डैबिंग मोशंस में ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से पूरा ये कंसीलर मेरे अंडर आई में ब्लेंड हो गया है। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद हम लोग हमारे फेस को सेट करेंगे फेस पाउडर से। फेस पाउडर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ यूरो गर्ल पाउडर इन दी शेड 10। फेस पाउडर से क्या होता है कि आपके फेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेट नहीं आएगा। एक बड़े ब्रश से आपको पाउडर अप्लाई करना है अपने फेस पर, इस तरीके का बड़ा ब्रश लेना है एंड उससे फेस पर पाउडर लगा लें। इससे आपके फेस पर स्वेट नहीं आएगा, आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। दैट्स इट। पाउडर आपको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, आपके घर में जो भी पाउडर यूज होता हो सिंपल वो ही लगा लें अपने फेस पर। बस फाउंडेशन के ऊपर सिंपल पाउडर लगाना है ताकि आपका मेकअप क्रीज नहीं हो, स्वेट कम आए आपके फेस पर, उस तरीके के लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी आईज पर। आई शेडो मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर हुडा ब्यूटी का पैलेट। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर पे हो। सबसे पहले तो आई मेकअप के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले हमने कंसीलर से हमारा बेस सेट कर लिया आईज का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले लेंगे एक क्रीज शेड इस टाइप का, थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड होता है, वो ऑरेंजिश ब्राउन शेड होता है जो क्रीज शेड होता है, और एक कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश से हम लोग उस शेड को अपनी क्रीज यानी कि जो आईलिड के ऊपर ये जो लाइन होती है इधर ब्लेंड करेंगे। सो ये शेड लूंगी मैं थोड़ा सा अपने ब्लेंडिंग ब्रश में। ब्लेंडिंग ब्रश का मतलब ये होता है जो ब्रश बहुत फ्लफी सा हो, छोटा सा ही ब्रश हो पर फ्लफी हो। और आई शेडो कभी आपको डिप करके एकदम से नहीं लगाना, वो पिगमेंटेड हो सकता है तो बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको एक्सेस को टैप ऑफ कर दें। अब बाहर के कॉर्नर से हम लोग शुरू करेंगे और अंदर की तरफ लगाएंगे इस तरीके से। इससे आपकी आईज ज़्यादा डिफाइंड लगेंगी। सो आई शेडो अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि क्रीज में अप्लाई करें। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरी दोनों आईज में, ये बहुत डल लग रही है और इसमें देखिए आप, तो थोड़ी सी आईज जो है ना आपकी वो डिफाइंड हो जाती है, आपकी क्रीज लाइन डिफाइन हो जाती है। सो दैट्स इट, हमने क्रीज में लगा लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इस लुक के लिए मैं क्या करूँगी, थोड़े से डार्क शेड्स जो हैं वो आईज़ के कॉर्नर में लगाऊंगी। जैसे कि ये कोको शेड है, इसे मैं यूज़ करूँगी अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स में विद द सेम ब्लेंडिंग ब्रश। इससे मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लूँगी। Just like this. और आपका जो ये आई मेकअप है वो आपके आईब्रोज की जो लाइन है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इतनी सिमेट्री तक हो सकता है। आपका आई लाइनर भी इतनी सिमेट्री तक हो सकता है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी मैंने वो ही कलर कर दिया। और अच्छे से उसे ब्लेंड भी कर लेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा ऑड नहीं लगे। अब मैं यूज़ करूँगी शेड एंजेलिक, ये शिमर शेड है, और मैं इसे मेरे इनर आईलिड से लेके मिडिल आईलिड तक अप्लाई करूँगी। अब जो शिमर शेड्स होते हैं गाइस, हमेशा याद रखें वो सबसे बेस्ट पिगमेंट तभी देंगे जब आप उनको अपने फिंगर्स से अप्लाई करेंगे।
सो कुछ इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूंगी। इस तरीके से कैन यू सी गाइज, ये मैंने शिमर शेड अप्लाई किया है इनर से लेके मिडिल तक, और अभी आईज के बाहर मैंने अप्लाई किया है थोड़ा सा डार्क शेड। इस तरीके से ही मैं दूसरी आई पे भी कर लूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लैक ट्रफल शेड, और इसे भी मैं थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लूँगी मेरी आईज को थोड़ा सा डार्कन करने के लिए। इस तरीके से हम लोगों का फिनिश होता है आई शेडो मेकअप। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने शिमर शेड लगाया था उसे मैं थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर लूँगी, जिससे मेरी आईज थोड़ी सी और बड़ी लगेंगी। सो इसे आईलेट तक अप्लाई करते करते इनर कॉर्नर में भी थोड़ा सा अप्लाई कर लें, और जो ये डार्क शेड है इसको थोड़ा सा हम लोग अंदर की तरफ ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा आई लुक इवन लगे। अंदर की तरफ आपको अपनी क्रीज लाइन पर इसे ब्लेंड करना है, आईलेट्स पर नहीं लगाना। जस्ट लाइक दिस। सो इस तरीके से हमने आई शेडोज अप्लाई कर लिया। अब आईलाइनर की बारी आती है। सो आईलाइनर के लिए मैं यूज करूंगी मेरा प्लम का काजल प्लस आईलाइनर। दिस इज अ प्लम नेचर स्टूडियो काजल। ये काजल और आईलाइनर दोनों एक दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। आपका कोई भी काजल हो आप उसे आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो आईलाइनर अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर हल्का सा पतला सा ही लाइन ड्रॉ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी आई शेडो कर रखा है। सो हम लोग छोटा सा विंग बनाएंगे। विंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपकी जो आईज़ हैं उसके बीच में से आपको एक लाइन निकालनी है बाहर तक, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से, और इसी लाइन को फॉलो करके आपको अपना आईलाइनर बनाना है। तो इस तरीके से ही फॉलो करें जैसे मैं कर रही हूँ। लाइनर अप्लाई करने के बाद हम लोग थोड़ा सा काजल अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल लाइट हैंड से मैं काजल अप्लाई करूँगी, ज़्यादा काजल नहीं अप्लाई करूँगी। दैट्स इट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आईब्रोज पे मूव ऑन करते हैं। आई एम यूजिंग द कैमलिन आईब्रो पेंसिल इन दी शेड लाइट ब्राउन। आईब्रोज हमेशा ब्राउन कलर में ही लें आईब्रो पेंसिल, और आपको अपनी आईब्रोज को बस फिल इन करना है ताकि थोड़ी सी बस वो डार्क लगे। अपने आईब्रोज का नेचुरल शेप ही फॉलो करें। बस थोड़ा सा ऐसे डार्कन करना है हमें। इस तरीके से हमने आईब्रोज को डार्कन कर दिया। ब्राउन शेड ही हमेशा चूज करें, काफ़ी नेचुरल लगता है आईब्रोज के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा ब्लश। ब्लश के लिए हम लोग, मैं यूज़ कर रही हूँ यूरो गर्ल ब्लश इन दी शेड EG550। और ब्लश के लिए हमेशा याद रखें ब्लश पिगमेंटेड भी हो सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल ज़रा सा लेना है अपने ब्रश पर, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ज़रा सा मैंने ब्लश लिया और इसे मैं अप्लाई कर लूँगी, बस इतना सा। आप बाद में तो और बढ़ा सकते हैं ना ब्लश को, पर ज़्यादा ले लेंगे तो एक बार में मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा। आप जो स्माइल करते हैं ये जो आपके चीक्स होते हैं इन पर आपको ब्लश लगाना है। दैट्स इट, बस इतना ही लगाना है। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे हमारी लिपस्टिक।
और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ L18 कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक। एक स्टेप मैं कर रही हूँ वो ऑप्शनल है, वो है मस्कारा अप्लाई करना। सो मस्कारा अप्लाई करना मैं आपको बताऊँगी। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आपकी लैशेस को काफ़ी फुल इफेक्ट देता है। आपको फॉल्स लैशेस अप्लाई करने के लिए नहीं होगी, ऑप्शनल स्टेप है, पर मैं सोचा मैं वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। मस्कारा के लिए आपको नीचे से अपनी लैशेस को पूरा मस्कारा कलर करना है इस तरीके से, और ध्यान दें कि मस्कारा कहीं पर भी आपकी स्किन पर नहीं लगे। और अगर लग भी जाता है तो आपको क्यू टिप लेके उसे ज़रा सा बस हटा लें, तो आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा। सी दिस वे, इस तरीके से आपको मस्कारा अप्लाई करना है। मैं प्रेफर करती हूँ मस्कारा अप्लाई करना सिर्फ अपर लैशेस पे, लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाने से थोड़े से हम लोग ओल्ड लग सकते हैं। सो सिर्फ अपर लैशेस पे मैं मस्कारा लगाती हूँ। सो इससे हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है। मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल हाइलाइटर इन दी शेड चैम्पेन गोल्ड। आपके पास जो भी हाइलाइटर है आप डेफिनेटली उससे भी अपना मेकअप कर सकते हैं, नो नीड टू बाय द सेम प्रोडक्ट्स। और एक हाइलाइटर ब्रश ले लें आप लोग, कुछ डेंस होना चाहिए इस तरीके से, या फिर आप लोग फैन ब्रश भी ले सकते हैं इस तरीके का, किसी भी ब्रश से आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने हाइलाइटर ले लूँगी अपने ब्रश पर, और इसे सबसे पहले मैं अपनी चीक बोन्स पर अप्लाई करूँगी। और यहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी अपनी चीक बोन्स पर सबसे पहले, तो इस तरीके से यूँ अप्लाई करूँगी अपनी चीक बोन्स पर। और अपने फोरहेड से लेके उसे कनेक्ट कर लूँगी इस तरीके से, सी बनाएंगे हम लोग ताकि हमारा पूरा अपर पोर्शन हाईलाइट हो। Like that. अब इसके बाद मैं हाईलाइट करूंगी हल्का सा अपना फॉरहेड, फॉरहेड का मिडिल पार्ट आपको हाईलाइट करना है। फिर आपको हाईलाइट करनी है आपकी नोज, पूरी हाईलाइट करेंगे सिर्फ इसकी ब्रिज को, ब्रिज पर पूरा हाईलाइटर लगा लिया, उसके बाद टिप पर अलग से लगाएंगे एंड द चिन। इस तरीके से कर लेना है आपको आपके फेस को हाईलाइट। हाइलाइटर आपके स्किन पर काफ़ी अच्छा नेचुरल ग्लो देता है, और हाइलाइटर का आपको बिल्कुल पैची नहीं छोड़ना, हल्का हल्का उसे ब्लेंड भी कर ले। ऐसे नहीं कि बहुत ही ओवरली पैची हाइलाइटर आप लोग अपने फेस पे अप्लाई कर ले, बहुत ही ओवर लगता है वो। सो गाइज दैट्स इट फॉर द बिगिनर्स मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए वो क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आप बेल बटन को भी क्लिक कर ले और नीचे कमेंट कर ले डन, अगर आप चाहते हैं मैं अपनी अगली वीडियो में आप में से किसी एक पर्सन का नेम लूँ। दिस इज द मेकअप लुक फॉर बिगिनर्स। आप लोग ये खुद मेकअप लुक फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी इजी एंड काफ़ी सिंपल है करना। सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, पर आप ऑफकोर्स दो तीन वीडियोस देखते हैं 5-10 मिनट की, इससे बेटर है आपने एक ही वीडियो देख ली। सो गाइज उस गर्ल का नेम जिसने मेरी वीडियो में कमेंट किया था नीचे डन मेरी बेल बटन को क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो में, उसका नेम है सौम्या दीक्षित। सो शाउट आउट टू यू सौम्या दीक्षित, आई लव यू। सो गाइज आप लोग भी बेल बटन को क्लिक करें, नीचे कमेंट कर लें डन, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।